Hello students, welcome to my YouTube channel CHSC Plus 2 Physics Brief Study in Quick Time. एटि छोट छोट वीडियो मु अपलोड करी चेष्टा करी डेली अपलोड करने जदि भल लगे तुम लाइक करदेव चैनल को और सब्सक्राइब करदेव तुम सांग मन को भी शेयर करपर और जो वीडियो मु पठेबी तार नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल रे प्रेस करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोर उपर जो देखु थ्री डॉट्स अच्छी ये वीडियोर क्वालिटी बढ़ेगा 144 रु मैक्सिमम जिते हेपर मुझे 480 करदेली तो वीडियोर क्वालिटी बढ़ीज प्रति वीडियो रो मु पीडीएफ नोट्स भी पठेबी तुम्हें ताकू डाउनलोड कर पार ये जो डाउन एरो अच्छी या क्लिक कलापर तुम लिंक पाइव डाउनलोड कर पार लास्ट इंपोर्टेंट जिनस मु सब वीडियो रो यूनिट वाइज सजे देके रखिथिबी मो चैनल को क्लिक कलापर तुम प्ले लिस्ट ये बाहर करके तुम यूनिट वाइज पाइपर ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो आम आज देखा नुआ चैप्टर आमर अल्टरनेटिंग करंट इट इज ए वेरी वाइटल चैप्टर एथेर तुमर भल क्वेश्चन भी आसिक मार्क फेचिंग क्वेश्चन गुड़ा आसे है सो केवल जदि कनसेप्ट तुम क्लीयर करदेल इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो एमें देख पढ़ा अबाउट मीन आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी देन योर फेज रिलेशन बिटवीन ई एंड आई फॉर एलसीआर सर्किट देन योर इंपीडेंस शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्यू वैल्यू पावर फैक्टर ट्रांसफॉर्मर आई थिंक एसी सर्किट जोटा एसी जनरेटर जोटा भी अच्छी। सो फर्स्ट अल्टरनेटिंग ईएमएफ अच्छा आम अल्टरनेटिंग ईएमएफ आम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन गोटे जिनस देखला व्हेन यू प्लेस अ कॉइल एंड रोटेट इट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ताले कौन हम गोटे इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हम एंड दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ वेरीज विथ रेस्पेक्ट टू योर टाइम है एंड इट इज गिवेन बाय ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी वेर ई इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ ई जीरो इज द मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेन्सी एंड टी इज द टाइम। सो यही इक्वेशन को जब हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवा देन यू विल फाइंड अ साइनोसोइडल कर्व है दिस इज द साइनोसोइडल कर्व वी आर गेटिंग व्हेन यू टेक द ईएमएफ अलोंग द वाई एक्सीस एंड द टाइम अलोंग द एक्स एक्सीस है दिस इज द इक्वेशन है ये गोटे जिनस मार्क कर तुम इंस्टेंटेनियस ईएमएफ रो मैग्नीट्यूड आउ डायरेक्शन बोथ एठीरे चेंज होची। फर्स्ट कथा जदि देखियो मैग्नीट्यूड देखो ए जो पॉइंट ओ रो हमरो स्टार्ट हला सो मैग्नीट्यूड फर्स्ट कम रु बेसी हला हला मैक्सिमम हे गला तमरो ई जीरो रे पुनी कमिला हला तापर जीरो हे गला पुनी बढिला मैक्सिमम पुनी हला माइनस ई जीरो पुनी कमिला हला सो मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटीन्यूअसली हला गोटे टाइम पीरियड रे। सेकेंड जिनस डायरेक्शन जदि कहिबा देखो ओ ए बी इज द पॉजिटिव हाफ एंड बी सी डी इज द नेगेटिव हाफ दैट मीन्स इट्स डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम माने जीरो रु टी हाफ पर्यंत ये पॉजिटिव थिला टी हाफ रु टी पर्यंत नेगेटिव हला। सो से गुडा जिनस गुडा ये तले लिखी जमती कहली फर्स्ट जिनस मैग्नीट्यूड वेरीज कंटिन्यूअसली विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देन डायरेक्शन तुमर रिवर्स पीरियोडिकली विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है। सो जो डायरेक्शन कथा कहली इट गेट्स रिपीटेड आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो तुमर जो ग्राफ्टा एतिक जाए थिला तुमर टाइम पीरियड तापर जो एबे स्टार्ट है देख एटी रिपीट आसी जाउछि एई पर्सन जहाँ एई पर्सन ताहा है। सो रिपीट केते बेले जा होनी जेते बेले ग्राफ्टा आमर एतिक जाए अछि है। सो दिस इज द टाइम पीरियड और या वन साइकिल आम कहीपर आपको देखा। सो सच काइंड ऑफ ईएमएफ इज नोन एज अल्टरनेटिंग ईएमएफ बिकॉज इट अल्टर्स आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ओके। सो अकॉर्डिंगली आम आमर डेफिनेशन एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज द वन व्हिच कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड पीरियोडिकली रिवर्स इन डायरेक्शन है। सिमिलरली आम जब देखा अल्टरनेटिंग करंट एवं जी देखा समान जिनस अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी जमी होता गोटे कॉइल को रखुल तुम रोटेट कर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सो दैट यू आर गेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अल्टरनेटिंग इन नेचर। सिमिलरली यही अल्टरनेटिंग ईएमएफ रु तुम अल्टरनेटिंग करंट पाइब है। इक्वेशन भी एक्जाक्टली सिमिलर आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। सो आम या ग्राफिकली रिप्रेजेंट कले भी सेम टाइप रही प्लॉट आसो एवं किंतु वाई एक्सीस तुम करंट अच्छी है। सो यू आर गेटिंग ए साइनोसोइडल कर्व है। अच्छा
एठी आई जीरो तुम्हारो हैला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और पीक वैल्यू हैला। सो एबे जाय आमे देखिला जोटा कि टिपिकल इक्वेशन गुटे साइनोसोइडल करंट किंबा ईएमएफ रो आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। साइन न नहीं कि आम कॉस रे भी याकू लिखि परबा। कॉस रे लिखिले देखो हमरो हि जीवो ई इक्वल टू ई जीरो कॉस ओमेगा टी एंड आई इक्वल टू आई जीरो कॉस ओमेगा टी। एटा लिखिले भी एका कथा हैला। एथिरे किंतु ग्राफटा टिके अलगा आसीबो हैला। सेम जिनिष देख कॉस रे जदि आमे लिखिचू ग्राफटा एबे ओ रु स्टार्ट न होई कि एही पॉइंट रु स्टार्ट हबो हैला। बिकॉज काही केमती होउची देख जदि एही जगह रे आमे कॉस ओमेगा टी नउचू एट टी इक्वल टू जीरो कॉस ओमेगा टी हैला मैक्सिमम। सो यू आर गेटिंग ई इक्वल टू ई जीरो सो दैट दिस इज द पिक हैला। ओ पॉइंट रे आमे मैक्सिमम पाइगला। किंतु एठी जदि तुम्हारा साइन ओमेगा टी थांता ताले टी इक्वल टू जीरो साइन ओमेगा टी तुम्हारे जीरो होगा सो दैट ई इक्वल टू जीरो सो पॉइंट ओ रु आमर स्टार्ट हो हैला। ओके सो ईएमएफ रे भी सेम टाइप रो ग्राफ एवं करंट रे भी सेम टाइप रो ग्राफ हैला। एबे किछटा बेसिक जिनस आमे जानिबा अबाउट अल्टरनेटिंग करंट्स। फर्स्ट हैला पिक वैल्यू। पिक वैल्यू जमती कहली करंट रो हौ किंबा ईएमएफ रो हौ आई जीरो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन आइदर डायरेक्शन से पॉजिटिव हो किंबा नेगेटिव हो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू हैला। एंड इट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड हैला। एटा आई जीरो होतला एटा माइनस आई जीरो होतला। मैग्नीट्यूड जदि हमें नहीं जावा मैग्नीट्यूड केते हो आई जीरो हो सो इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट एंड डिपेंड्स अपॉन द ईएमएफ एंड द नेट इफेक्टिव ऑपोजिशन। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज कॉल्ड इंपीडेंस जोटा आपको आम पढ़ा ऑफर्ड बाय द सर्किट। नेक्स्ट इज योर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तुम्हें फर्स्ट ईयर भी पढ़ी थिलो गोटे सिंपल पेंडुलम अच्छी हैला। से पेंडुलम जदि ऑसिलेट करुची अबाउट एनी मीन पोजिशन ताले गोटे कंप्लीट ऑसिलेशन को जैसे टाइम नौला कहा जाऊला टाइम पीरियड हैला। सो टाइम इन केस ऑफ योर अल्टरनेटिंग करंट इट इज द टाइम इंटरवल आफ्टर व्हिच द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट गेट रिपीटेड ओके इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। माने या कोई मुझे ग्राफिकली बुझेबी तुम्हारा जो ग्राफ्टा आसला दिस इज जीरो दिस इज टी है। सो टी पर यही पॉइंट पर जो आम नेक्स्ट पुणी ग्राफ्टा आगे बढ़ो देख ये रिपिटेशन है ये प्लटटा जहाँ ये प्लट ता। सो जिते बड़े जाए तुम रिपिटेशन होते पर्यटन तुम टाइम को कहा जाए टाइम पीरियड। एवं या मैथमेटिकाली बुझे भी आम प्रूफ कर पारा जी आम करेन्ट नहींगल आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी हैला। आ टाइम पीरियड आमर जमी कहली टी इक्वल टू टू पाई बाय ओमेगा। सो या पुट करवा जिते आम टी इक्वल टू टी जीरो सॉरी टी इक्वल टू टी प्लस टू पाई बाय ओमेगा करदे हैला आफ्टर वन टाइम पीरियड हैला। ताले ओमेगा मल्टीप्लाई हेला एतिकी आसीबो आमर क्वांटिटी। एबे आमे जानिचू साइन टू पाए टू पाए प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सो आई डैश हो समान आई सांगरे ता माने गोटे टाइम पीरियड पर तुम्हारो करंट पुणी सेम आसी जाउची हैला। सो दिस इज सिंपली द पीरियड ऑफ एसी। नेक्स्ट होउची आमर साइकिल ऑफ एसी। साइकिल ऑफ एसी माने इट इज द वेरिएशन ऑफ करंट इन बिटवीन टू कंजिक्यूटिव सिमिलर वैल्यूज ऑफ करंट हैला इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इज सेट टू कन्स्टिट्यूट वन साइकिल ऑफ एसी। देख ये पुणी से ही ग्राफ को जो आम देखुला देखी पड़ थोड़ा एटी दिस इज द पॉजिटिव हाफ ऑफ द साइकिल दिस इज द नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल। एटी जो ओ ए बी सी डी या कहा जाए गोटे साइकिल। गोटे साइकिल मान गोटे टाइम पीरियड में जीक आम ग्राफ आसला दैट इज योर वन साइकिल हैला। अच्छा नेक्स्ट हूँ आमर फ्रिक्वेन्सी। फ्रिक्वेन्सी तुम जाच इट इज द नंबर ऑफ रोटेशन और नंबर ऑफ वाइब्रेशन है जेकोसी गोटे माने वाइब्रेशन किंबा रोटेशन रो है नंबर इन वन सेकेंड है। सो इन केस ऑफ योर एसी आल्सो इट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ एसी कंप्लीटेड इन वन सेकेंड है इट्स कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी गोटे भाइबार एवं क्वेश्चन कहूँ तुम जो डोमेस्टिक मान घर जो लाइन अच्छी दैट इज पचरा जाए कौ प्रकार लाइन एसी ना डीसी आंसर है एसी। से एसी लाइन रो फ्रीक्वेंसी केते पचरा जाए फ्रीक्वेंसी होगा आंसर 50 साइकिल पर सेकंड और 50 हर्ज साइकिल पर सेकंड जहाँ हर्ज मध्य एका कथा है। सो 50 हर्ज है तुम डोमेस्टिक पावर सप्लाय आ नहीं जदि तुम एवं कम्युनिकेशन पावर सप्लाय कथा कहता तो तार फ्रीक्वेंसी मिलियन साइकिल पर सेकेंड है।
किंतु यही क्वेश्चन टा डोमेस्टिक पावर सप्लाई रो फ्रीक्वेंसी आउ सेटा को नेचर रो पचरा जाए सो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट सो फ्रीक्वेंसी मूल पाठ को आसो फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ योर टाइम पीरियड एंड इट विल बी ओमेगा बाय टू पाए और ओमेगा इक्वल टू टू पाए एफ है नेक्स्ट है आमर फेज फेज आम जानू सेम सेट ऑफ वाइब्रेशन जदि आम देखा ऑप्टिक्स रे भी देखुला है किंतु इन केस ऑफ योर अल्टरनेटिंग करंट फेज इज जस्ट लाइक सम एंगल गोटे कॉइल जदि अच्छी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रे है ताको आमे जो रोटेट करुचु सो फेज ऑफ एन एसी इज मेजर्ड बाय द एंगल थीटा व्हिच इज ओमेगा टी टर्न बाय द जेनरेटिंग एलिमेंट माने से जो कॉइलटा विथ रेस्पेक्ट टू अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम एबे जदि आमे मैथमेटिकली लिखिबा इक्वेशन को आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाय सो ये जो ओमेगा टी प्लस फाय अच्छी इट इज द फेज है एबे जदि आमे टी इक्वल टू जीरो एट द इनिशियल टाइम टी इक्वल टू जीरो करदे ताहले आई पाइबा केते आई इक्वल टू आई जीरो प्लस साइन फाय आमे पाइबा सो एठी जो फायटा आमर आसला दिस फाय विल रिप्रेजेंट द फेज ऑफ द करंट इनिशियली इनिशियली माने एट जीरो टाइम एंड दिस इज नोन एज इनिशियल फेज और इपॉक है अच्छा दुईटा करंट जदि अच्छी आई वन एंड आई टू हैविंग एंगल्स ओमेगा टी प्लस फाय वन ओमेगा टी प्लस फाय टू है फाय टू माइनस फाय वन हो तुम्हारो फेज डिफरेंस है ओके आउ जदि ये फेज डिफरेंस फाय टू माइनस फाय वन टा जीरो होगा दैट मीन्स देर इज नो फेज डिफरेंस और द टू करेन्ट्स आर इन सेम फेज है दे आर सेट टू बी इन फेज विथ इच अदर एबे पुणी भाइबा रिलेटेड किसी इंपोर्टेंट जिनस कौच ये जो नोट्स रे देख एटा भी भाइबार क्वेश्चन आसे ग्रेटर द फ्रिक्वेन्सी अफ एसी स्मलर विल बी द ड्यूरेसन अफ सैकिल है एज ए रेजल्ट द कंजिक्यूटिव मैक्सीमा विल बी सिचुएटेड क्लोज टू इच अदर परीक्षक किसी मैंने एमती भी क्वेश्चन पचारती दुईटा एमती ग्राफ देदेवे सपोज एमती गोटे ग्राफ दे यहाँ है एक नंबर है दुई नंबर रे आ गोटे ग्राफ देवे ओके सो देखी पार्थब एबे क्वेश्चन पचारे जे कौ थे फ्रिक्वेन्सी बेसी है दुईटा एसी सैकेल देदेले कौ थे फ्रिक्वेन्सी बेसी माने जो जगह रिपिटेसन जिते कम टाइम रिपिटेसन जो बेसी है से जगह फ्रिक्वेन्सी बेसी देखी पार्थ समान टाइम नहीं समान टाइम दुई नंबर रे बेसी थर तुम रिपिटेसन आेणुक यही जगह तुम फ्रिक्वेन्सी बेसी है आउ जानू आम फ्रिक्वेन्सी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड सो कौ जगह टाइम पीरियड बेसी टाइम पीरियडटा तुम बेसी हो एक नंबर रे है एक नंबर रे फ्रिक्वेन्सी कम टाइम पीरियड बेसी दुई नंबर रे फ्रिक्वेन्सी बेसी टाइम पीरियड कम अच्छा दुई नंबर जिनस दुई नंबर रे कहला ड्यूरींग वन साइकिल द करेन्ट बिकम्स जीरो ट्वाइस दुई थर तुम करेन्ट जीरो हो गोटे सैकिल है ओके दिस इज द वन साइकिल सो देख यही जगह थोड़े जीरो होगी यही थोड़े जीरो होगी जगह तो पुणी सेकेंड सैकिलटा आम स्टार्ट होगा सो दिस इज द टू पोजिशन एट विच द करेन्ट इज जीरो है सो करेन्ट जब जीरो आम जानू आम डोमेस्टिक लाइन रे पावर सप्लाय रे एसी सर्किट आट मीनस अल्सो दुईटा जगह इन वन सैकिल तुम करेन्ट जीरो होने गोटे जो इलेक्ट्रिक बल्ब आम कह इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब तो एसी करेन्ट जाए से तो करेन्ट जेहतु जीरो दुई थर तो इलेक्ट्रिक बल्बा लिभिजा कथा है स्विच ऑफ होगा कथा है सो से ही जिनसटा कि भिजुआली आम देखिपुना कहीं देखिपुना इट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ परसिस्टेंस इन विजन माने एते शीघ्र से जिनसटा हो जाए आम आखि से कैच कर पारुनि है बिकज जो टाइम इंटरवल अच्छी बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ब्राइटनेस है इट्स वेरी मच लेस अबाउट वन बाय सिक्सटीन्थ ऑफ ए सेकेंड गोटे सेकेंड रोल भाग रु भागे देयरफॉर दुईटा कंजिक्यूटिव जो आमर ब्राइटनेस जोटा अच्छी है से मानक मझे गोटे डार्कनेस रहा जमती कि जो दुईटा इंप्रेसन आमर आसला ब्राइटनेस से मर्ज हो गले टोटाली आमर डार्कनेसटा एलिमिनेट हो जाए डार्क रिजनटा तेणुक आम जापारुन आम आखि से जिनसटा को देखिपारे है थर्ड जिनस एटा भाइबा रिलेटेड मध्य आउ एटा भी माने बहुत हेल्पफुल तुमपाई गोटे अल्टरनेटिंग करंट अच्छी है एक्चुअली देखा गले ह्यूमन लाइफ पर अल्टरनेटिंग करंटा बहुत डेंजरस हो पारे है आम जानू डोमेस्टिक पावर सप्लाई जब कह 50 साइकिल पर सेकेंड और 50 हर्ज इट इज ए वेरी हाई फ्रिक्वेन्सी
ହେଲା। ସୋ ହ୍ୱେନ୍ ଅ ହ୍ୟୁମେନ୍ ବଡ଼ି ଇଜ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଏ ଲାଇଭ୍ ୱେୟାର୍, ଜୀବନ୍ତ ଅଲ୍ଟରନେଟିଂ କରେଣ୍ଟର ତାରକୁ ଜଣେ ଯଦି ଛୁଇଁଦେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ହ୍ୟୁମେନ୍ ବଡ଼ି ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଂ କରେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ପାସ୍ ଥ୍ରୁ ହିଜ୍ ବଡ଼ି। ହେଲା, ଏଜ୍ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଅଲ୍ ପାର୍ଟ୍ସ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ବଡ଼ି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ତାର ବ୍ରେନ୍ ସହ, ହେଲା, କ'ଣ ହେବ, ସେମାନେ ଦେ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଭାଇବ୍ରେଟିଂ ୱିଥ୍ ଦ ସେମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, 50 cycles per second। ତ ଏଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ଯଦି ତୁମର ବ୍ରେନ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଲା ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ ହେଲ୍ପଲେସ୍, ହେଲା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ତାର ବାକି ବଡ଼ି ପାର୍ଟକୁ ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଦେଇପାରିବନି, ହେଲା, ତ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବନି। ଏଜ୍ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ତୁମର ବଡ଼ି, ହେଲା, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ ପାରାଲାଇଜ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ଭେରି ଫ୍ୟୁ ସେକେଣ୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ପୋଜିସନ୍, ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ଲଟକିଗଲା। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଲାଇଭ୍ ୱାୟାର୍କୁ କେମିତି ରିମୁଭ୍ କରାଯିବ, ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ତା'ର ମାନେ ତୁମେ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବି ଥିବ, ହେଲା, ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମର କିଛି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁଲେଟିଂ ମେଟେରିଆଲ, ହେଲା, କାଠ ଭଳିଆ କିଛି ଜିନିଷ, ହେଲା, ସେଥିରେ ବାଡ଼େଇକି ଆମେ ରିମୁଭ୍ କରିବା କଥା। ଯଦି ରିମୁଭ୍ କରା ନଗଲା ଦେନ୍ ୱିଦିନ୍ ଫ୍ୟୁ ସେକେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ପ୍ରାଣଘାତୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ହେଲା, ଓକେ, ସୋ ଇନ୍ସୁଲେଟିଂ ମେଟେରିଆଲ ଯଦି କିଛି ମିଳିଲାନି, ବେଟର୍ ଆଇ ଶୁଡ଼୍ ସଜେଷ୍ଟ ସେ ଯେଉଁ ସୁଇଚ୍ଟା ଅଛି ସୁଇଚ୍ଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା କଥା, କିମ୍ବା ତା'ଠୁ ବି ବେଟର୍ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯଦି ହାତ ପାଉଛି, ହେଲା, ମେନ୍ ସୁଇଚ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା କଥା। ସୋ ଅଲ୍ଟରନେଟିଂ କରେଣ୍ଟର ମାନେ ଜିନିଷ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍ରେ ବି ଡିଲିଂ କଲାବେଳେ ବି ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା କଥା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।